कि जनरली जब टॉपिक्स लिए जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक को सुनकर दूसरों को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अरे हाँ ये बात इनके लिए, अरे हाँ ये बात मेरे पड़ोसियों के लिए, अरे हाँ ये बात फुलां के लिए। ये मिजाज अगर हमारा किसी चीज़ को सुनने में होगा, और ख़ासतौर से जब इस्लाही उनवान होता है जैसा इस्लाह माशरा, तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी इस्लाह छोड़कर दूसरों की इस्लाह करना शुरू कर देते हैं, जबकि टॉपिक सामने वालों के लिए खिताब किया जा रहा है, सामने वाला दूसरों के लिए सोचते बैठा है कि ये उनके लिए टॉपिक है। तो ये चीज़ को हमको डाउन टू अर्थ आना पड़ेगा कि टॉपिक मेरे और आपके लिए है, ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को डालने लगूँ, हाँ हाँ ये उनके बारे में हो रहा, उनके बच्चे ऐसा करते, अरे हाँ ये मेरे पड़ोसियों के बारे में ऐसा, अरे हाँ इंडिया में मेरे घर में ऐसी, नहीं नहीं ये बात मेरे और आपके लिए है, और मुझे और आपको अपनी इस्लाह कैसा करना है उसके बारे में यहाँ फिक्रमंद होना है। हो सकता है दूसरा ये काम करते वो उनका मसला है, लेकिन मैं और आप, हमें क्या बिगाड़ है, हम उसकी कैसे इस्लाह कर सकते हैं, ये फिक्र मुझे और आपको यहाँ करना याद रखिए। और जब ये फिक्र लेके इंशाल्लाह बैठेंगे तो कुछ ना कुछ यहीं से नहीं, हर तकरीर से आप ले जाएंगे, और जब ये सोच कर बैठेंगे कि ये बात किसी और के लिए हो रही है और की इस्लाह के लिए हो रही है, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे भाई के लिए, तो फिर उस उनवान उस टॉपिक का ज़्यादा फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आता। एक मिसाल देता हूँ, मिसाल है, एक उनवान है समझ लीजिए पड़ोसियों के हकूक़, नेबर्स राइट। अब जैसी पड़ोसियों के हकूक़ की बात हो रही है और सुनने वाला खुद पड़ोसी बन जाए, मतलब वो खुद सोच रहा है मेरे पड़ोसी ने मुझे क्या राइट्स देना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, हमारी इस्लाह कहाँ होंगी, दूसरों की सोच रहे हैं, होना ही चाहे अच्छा पड़ोसियों के हकूक़ तो मैं क्या दे रहा हूँ उसके बारे में फिक्रमंद रहूँ कि कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रही, मेरे पड़ोसी मेरे से परेशान तो नहीं। तो सोच ये होना चाहिए किसी भी टॉपिक को जब हम सुनते हैं।